हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू लाइव टॉक दुबई चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूई और दुबई एंट्री परमिट और रेसिडेंस वीज़ा का अंतर क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंट्री परमिट एंड रेसिडेंस वीज़ा। तो दोस्तों, पहले आपको ये जानना जरूरी है रेसिडेंस वीज़ा इशू कौन करता है। तो यूई में टू डिपार्टमेंट है, मतलब दो डिपार्टमेंट है, एक है आईसी का डिपार्टमेंट और एक है जीडीआरएफए का डिपार्टमेंट। आईसी का मतलब फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप। आईसी के तरफ से अबूधाबी, शारजाह, रसल कैम, उमल कैम, अजमान, फुजीरा का एंट्री परमिट और रेसिडेंसी वीज़ा इशू होता है। जीडीआरएफए का मतलब जनरल डायरेक्टरेट फॉर रेसिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर्स। तो जीडीआरएफए के तरफ से दुबई एंट्री परमिट और रेसिडेंसी वीज़ा इशू होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा एंट्री परमिट का मतलब क्या होता है। तो एंट्री परमिट इज़ ए डॉक्यूमेंट दैट अलाउज फॉरेनर्स टू एंटर एंड स्टे इन द यूई लीगली ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, अगर आपके पास यूई और दुबई का एंट्री परमिट रहेगा तो आप दुबई में और यूई में एंट्री कर सकते हैं और एक सर्टेन पीरियड तक रह सकते हैं लीगली। बट रेसिडेंस वीज़ा, ए रेसिडेंट वीज़ा इज इशूड टू ए फॉरेनर व्हेन ही इज़ ऑलरेडी इन द कंट्री। मतलब रेसिडेंस वीज़ा उनको इशू किया जाता है जो ऑलरेडी यूई के अंदर, दुबई के अंदर है, तो उनको ही इशू किया जाता है। दोस्तों, एंट्री परमिट का एक वैलिडिटी डेट होता है, तो इस वैलिडिटी पीरियड के अंदर ही आपको यूज़ करना होता है। तो इसका डेट ख़त्म, मतलब वैलिडिटी डेट ख़त्म, मतलब एंट्री परमिट एक्सपायर्ड, और एंट्री परमिट एक्सटेंड भी नहीं होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एंट्री परमिट 2 मंथ का होता है, वैलिडिटी 2 मंथ होता है मोस्ट ऑफ द एंट्री परमिट का। लेकिन रेसिडेंस वीज़ा का जो वैलिडिटी 2 ईयर्स का होता है, 2 साल का होता है, और सम रेसिडेंस वीज़ा 3 साल का भी होता है। द ड्यूरेशन ऑफ स्टे फॉर ईच एंट्री परमिट डिफर्स अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। फॉर एग्जाम्पल, एंट्री परमिट फॉर ट्रांजिट, मतलब कुछ एंट्री परमिट ट्रांजिट के लिए इशू किया जाता है। तो ट्रांजिट के लिए जो एंट्री परमिट इशू किया जाता है उसका वैलिडिटी रहता है 4 डेज। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एंट्री परमिट इशू किया जाता है उसका वैलिडिटी रहता है 2 मंथ्स। तो इस 2 मंथ के अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर आपको अपना स्टेटस चेंज करना है, मतलब रेसिडेंस वीज़ा में कन्वर्ट करना है। तो आपका ये स्टेटस चेंज करेंगे आपका स्पॉन्सर। अगर इस 2 मंथ के अंदर आप अपना स्टेटस चेंज नहीं करते तो आपका जो एंट्री परमिट एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर फाइन पे करना है, क्योंकि आप यहाँ पर ओवर स्टे हो चुके हैं, आपका एंट्री परमिट वैलिडिटी पीरियड ख़त्म और आप यहाँ पर ओवर स्टे हो चुके हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि आपका स्पॉन्सर 2 मंथ के अंदर आपका एंट्री परमिट स्टेटस चेंज नहीं करेंगे, मतलब रेसिडेंट वीज़ा में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो आपको 2 मंथ के अंदर ही यूई और दुबई छोड़ना है, तब भी आप फाइन से बच सकते हैं। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे क्या है डिफरेंस बिटवीन एंट्री परमिट और रेसिडेंस वीज़ा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।